हेल्थ केयर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ई कॉमर्स से लेकर लॉजिस्टिक तक आज के प्रेजेंट टाइम में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। ये दो ब्रांचेस इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कि वो स्टूडेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अपना बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, चाहे आप इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर लो, चाहे केमिकल की बात कर लो, दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर एमटेक इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फॉरेन कंट्री में तो सर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इंडिया में भी ईयर बाय ईयर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और स्किल्ड मैन पावर की यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है। तो सर अगर मैं आपसे बोलूँ कि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज बहुत ही लो रैंक पर अवेलेबल है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस में भी हैं, बिट्स में भी देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ साथ ट्रिपल आईटी भी स्टूडेंट को मिल सकती है, तो आप सर इस पे क्या बोलना चाहेंगे? मैम बहुत ही अच्छी चीज है, अगर बच्चे को अगर ये कोर्सेज मिल रहे हैं तो डेफिनेटली लेने चाहिए। एक्चुअली होता क्या है ना मैम, बहुत टाइम से जो है जब हम अपने सीनियर से भी पूछते हैं या फिर दोस्तों से भी पूछते हैं तो एक सिंपल ट्रेंड चला आ रहा है जहां पर बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाते हैं, उसके बाद जो है वो मैकेनिकल सिविल केमिकल इन ब्रांचेस को चूज करते हैं। Exactly. ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो बच्चे अवेयर हैं, जो पेरेंट्स अवेयर हैं, वो जानते हैं इन दोनों ब्रांचेस के बारे में इंपॉर्टेंस। बट हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिनको पता नहीं है कि इनका फ्यूचर क्या है, इनका स्कोप क्या है। डेफिनेटली ये जो है फ्यूचर की ब्रांचेस है। अगर आपको पता है तो जैसे मेडिसिन के अंदर बात कर लेते हैं या फिर जो है रोबोटिक्स के अंदर बात कर लेते हैं, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है। इवन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर होटल मैनेजमेंट हो गया या फिर फूड एंड डिशेस हो गए, हर जगह आपको जो है डेटा कलेक्शन करके उसको एनालाइज करने से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सर, तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए सबसे पहली चीज डेटा साइंस है। हाँ बिल्कुल, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, देखिए चैट जीपीटी आ गया, एआई पे काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिनका डाउट इंजन अब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मैनेज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करे जा रहे हैं। फेसबुक की बात कर लीजिए, फेसबुक के पास जो डेटा है उसमें क्या होता है कि हर पर्सन का एरिया ऑफ इंटरेस्ट फेसबुक को पता है, तो वो क्या है सर, डेटा साइंस है। उसके हिसाब से आजकल आप ऐसा ऑब्जर्व करते होगे कि आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे होते हो या डिस्कशन कर रहे होते हो तो 2-3 दिन के बाद वो प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने से निकल ही जाता है। आप गूगल पर कुछ सर्च कर लो, उनको सब पता चल जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, इस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, चलो अब नए प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करो, हो सकता है यहां से सेल्स हो जाए। तो आप समझ पा रहे होगे कि हर जगह डेटा साइंस है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और सर ये पूरा क्रिटिकल थिंकिंग का खेल है। जब कोई बच्चा बीटेक कंप्लीट करने के बाद डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाता है तो उतनी ज्यादा वो स्किल डेवलप नहीं कर पाता है कि उसका जो लर्निंग फेज है, जो 4 साल का जो बीटेक का फेज होता है वो उसका निकल चुका है, अब एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी भी आ चुकी है और उसके बाद जाके एमटेक में ये सारी चीजें सीखने को मिल रही है। बट वो चीज सबसे ज्यादा बढ़िया होगी कि बच्चा सर बीटेक में ही डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्ट कर दे, तो एक 4 साल की जर्नी होगी जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, इसके बाद जब आप निकलोगे सो यू विल बी द बेस्ट इंजीनियर इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन एमटेक तो एमटेक में भी उसको बहुत ज्यादा लर्निंग देखने को मिलेगी। वरना आज के टाइम पे तो सर ऐसा हो गया है कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट इसमें एमटेक तो कर रहे हैं मगर जो बेसिक कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल चाहिए, वो उनके मिसिंग है क्योंकि उन्होंने बीटेक दूसरे डिपार्टमेंट में करके रखा है। तो होता है मैम यहां पर ये है ना, जैसे कि किसी ने जो है पीछे रैंक, जैसे मान लो 50,000, 70,000 या 1 लाख की बात करें, इस रैंक पे जाके किसी को कुछ ब्रांच चूज करनी थी तो उसने फिर रैंडम ब्रांच चूज कर लेता है वो बच्चा, फिर उसके बाद उसे 4 साल बाद कॉलेज के अंदर रहने के बाद रियलाइज होता है कि मेरे दोस्त जो है मास्टर्स करने के लिए डेटा साइंस या एआई में बाहर जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो बच्चा बाहर जाता है तो वो सेकंड वे है जाने का। फर्स्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसमें थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो बैचलर्स करके सेम चीज में मास्टर्स करोगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा ऐड होगी। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम कुछ ऐसे कॉलेजेस आपको बताएंगे जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, ट्रिपल आईटी हैं और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, मोर देन 50,000 में भी सर अवेलेबल है। तो उसमें से सर सबसे पहला जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है वो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंदा टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई। इसको आप जाके जोसा काउंसलिंग का जो वेबसाइट है उस पर चेक करिएगा, 2023 का डेटा चेक करिएगा और ये वाला कोर्स आप चूज कर लीजिएगा। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि ओपन में सर 63,000 प्लस पर क्लोजिंग हुई है। हमने
क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या बेनिफिट रहने वाला है, ऑलरेडी आपको जो है इसके बारे में बता दिया है। और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में भी अगर देखेंगे मोर देन 11,000, मोर देन 5,000, मोर देन 11,000, सो आई थिंक दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएं या आप सोच लें कि भाई अब हमारा कुछ नहीं हो सकता और आप टाइम वेस्ट करें, उससे बेटर है कि यहाँ पर इसको ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ IITs में सर सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलते हैं, बीटेक के साथ IIT के सर्टिफिकेट कोर्सेज को भी इनरोल कर लो और 4 साल में अपनी स्किल्स को इस लेवल पर लेके चले जाओ कि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका पूरा फ्यूचर सेट हो जाए। और मैं फिर बता रही हूँ, इंडिया में सर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं मगर स्किल्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि लोग इधर की तरफ अब ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। अब ध्यान दे रहे हैं तो 10 साल के बाद अगर हम देखेंगे सो हमारे पास मतलब स्किल्ड पर्सन्स की लाइन लगी होगी, बट अभी जो रिक्वायरमेंट है ना वो बेसिकली कह सकते हैं वैकेंट है, क्योंकि उतनी स्किल अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुई है इन चीजों को लेके। तो सर नेक्स्ट IIIT की बात करते हैं। IIITs के अंदर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर, ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल के अंदर जो है ओपन कैटेगरी में 45,374 जो है यहाँ पर क्लोजिंग रैंक गई है। बाकी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसकी रैंक थोड़ी सी पीछे है। अगर वो सोच रहा है कि सर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, डेफिनेटली बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको जरूर आप IIIT मणिपुर को भरना। देखो एक चीज आपके दिमाग में ये आ सकती है कि सर मणिपुर जो है इंडिया के जो है ईस्ट पार्ट में है, क्या वहां पर उतनी रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी, क्या वहां पर वो इकोसिस्टम मिलेगा। पहली चीज, ये कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि जो आप नॉर्मल समझे, IIIT इज ए वेल रेप्यूटेड कॉलेज। हाँ माना मैंने कि ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में है, मणिपुर में है, बट आप ये चीज समझिए कि आप कौन सी ब्रांच कर रहे हैं, डेफिनेटली इसका फ्यूचर तो आपको मिलेगा ही सही। और मैम एक चीज तो हर जगह होती है, अगर आपके ब्रांच में 50 बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपकी रैंक जो है 45, 46, 48, 49, 50 है, तो आप कहीं भी बढ़ रहे हो, ठीक है, आपको जो है प्रेफरेंस फर्स्ट नहीं मिलती है, सही बात है। तो वो तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो आपको वहां पर टॉप 40%, टॉप 50% में जो है अपने आपको रखना जरूरी होता है। और अभी लर्निंग फेज है, कम्फर्ट से ज्यादा लर्निंग पे ही ध्यान देना है, वो चीज है। फिर उसके बाद जो कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। एक और कॉलेज है सर जिसमें 74,000 पर क्लोजिंग हुई थी और ये है बिट्स मेसरा। ग्रेट, तो बिट्स मेसरा के अंदर जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो है एमएस है, एमएस का मतलब मास्टर ऑफ साइंस है बच्चों। तो आप ये मत समझना कि सर मैं तो IIT से जो है बीटेक करने के लिए ही गया था, नहीं, इसकी भी उतनी ही इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर जो है आपको अपॉर्चुनिटी और उतनी ही वैल्यू जो है आपको इस कोर्स के बाद यहाँ पर मिलेगी। ये दोनों दे रहा है आपको बीएससी प्लस एमएससी, यहाँ पर जो है 74,000 का है। और ऐसा सर इंटीग्रेटेड कोर्स IITs में आते हैं, मैं एक मेरा एक फ्रेंड है उसने IIT भुवनेश्वर में एडमिशन लिया था ऐसी बेसिकली JEE के थ्रू। और उसने क्या करा था कि जनरली होता क्या है, 4 साल का आप बीटेक करते हो, फिर 2 साल का एमटेक करते हो, तो 6 साल का होता है। हाँ, तो उसने क्या करा था, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया था, तो 1 साल भी बच गया। और जब वो बाहर निकला तो उसके पास मतलब हायर डिग्री भी थी, ग्रेजुएशन तो था ही बट उसके बाद फिर एमटेक की भी डिग्री आ गई थी। तो सर वो जो है ना प्रोफाइल में भी एक अच्छा खासा वजन डालती है, वो चीज है। सो सर ये 3 कॉलेजेस हैं, वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आपका 50,000 से नीचे है, 30,000 के आसपास है, तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। पर हमने टारगेट में यही रखा था 50,000 प्लस, 50 के आसपास जो है वो सारे कॉलेजेस हम बिल्कुल बताए हैं। हाँ, सो ये 3 कॉलेजेस को आप जरूर ट्राई करिए। इसके अलावा भी आपके माइंड में डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई डाउट है या किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वी विल रिप्लाई टू योर कॉमेंट। ऑल द बेस्ट बच्चों, आई होप आपका जो है जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो है अच्छे से अच्छा कॉलेज और अच्छे से अच्छी सीट आपको मिले। ऑल द बेस्ट।